गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम करेंगे क्या, पोयम ग्रैंडफादर क्लॉक की एक्सरसाइज। ओके, पेज नंबर 134 पर देखिए, ए वाला पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। फर्स्ट वाला क्लॉक वॉज कैप्ट इन द, कहां पर रखी है क्लॉक, कहां कहां रखते हैं क्लॉक। फर्स्ट वाले में लिखेंगे आप म्यूजियम, सेकंड दो ब्लैंक गिवन है ना, टू ब्लैंक गिवन है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे म्यूजियम एंड सेकंड में हॉल। ओके, आ डबल ब्लैंक चाइम्स आउट द करेक्ट टाइम। इसमें फर्स्ट वाले में आप लिखना पपेट एंड बैंड। ओके, थर्ड वाले देखिए, व्हेन द बैंड मास्टर गिव्स अ बीट डबल ब्लैंक कैन बी हियर। फर्स्ट वाले में लिखेंगे आप स्वीट एंड सेकंड वाले में म्यूजिक। ओके, फोर्थ वाला सेंटेंस देखिए, अ पपेट मैन होल्ड अ ब्लैंक एंड अनाउंस द ब्लैंक। फर्स्ट वाले में लिखेंगे आप हैमर एंड सेकंड वाले में टाइम। ओके, द कुकू सिंग्स इन अ ब्लैंक वॉइस, कैसी वॉइस है कुकू की, स्वीट। ओके, इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बी वाला पार्ट। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम, पिक थ्री डिस्क्राइब्स वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट इट। ओके, फर्स्ट स्टैंजा में आपको क्या डिस्क्राइब किया गया है उसके थ्री वर्ड्स लिखना है आपको। ठीक है, देखिए, द क्लॉक इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, क्या डिस्क्राइब कर रही है क्लॉक फर्स्ट स्टैंजा में, इट इज हब ओल्ड एंड म्यूजिकल, मीन्स ये बड़ी है, पुरानी है और म्यूजिकल है। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, हु गिव्स अ बीट एवरी आवर, कौन करता है बीट एवरी आवर, द पपेट बैंड मास्टर्स गिव द बीट एवरी आवर। जो पपेट बैंड मास्टर्स है ना क्लॉक में, वो क्या करता है, बीट करता है एवरी आवर। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द कुकू कम आउट, द कुकू कम्स आउट टू अनाउंस द टाइम। जो कुकू है उसमें वो क्यों बाहर आ जाता है, टाइम शो करने के लिए, अनाउंस करता है वो टाइम को ना। इसके बाद देखिए, इसे नोट डाउन कर लेना सभी। फोर्थ वाला क्वेश्चन गिवन है, आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, रीड द गिवन सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन, द लुक विद अवे एंड सरप्राइज। ये वाला सेंटेंस किसने बोला है और क्यों बोला है ये हमें बताना है। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। देखिए बेटा, फोर्थ वाले का आंसर, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, हु आर दे इन द अबव लाइन, दे कौन किसके लिए बोल रहे हैं, दे शब्द। तो आंसर देखिए आप फोर्थ का है, दे आर विजिटर्स एंड द चिल्ड्रंस हु गैदर टू लुक एट द क्लॉक। जो दे शब्द है, दे जो वर्ड है वो विजिटर्स के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए यूज हुआ है, जो क्या कर रहे हैं, घड़ी को, क्लॉक को देख रहे हैं। ठीक है, इसका बी वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू दे लुक एट, जो दे है
जो विजिटर्स एंड चिल्ड्रंस है वो क्या देख रहे हैं, दे लुक एट द क्लॉक एंड इट्स पपेट बैंड, क्या देख रहे हैं वो घड़ी को एंड इसका जो पपेट बैंड है ना जो एवरी आवर्स साउंड करता है उसको देख रहे हैं। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू दे लुक विद अवे एंड सरप्राइज, क्यों सरप्राइज हुए थे वो, दे लुक एट इट विद अवे एंड सरप्राइज बिकॉज ऑफ इट्स हग साइज, क्यों सरप्राइज हो गए थे, उसका जो साइज है बहुत बड़ा साइज था क्लॉक का वो देखकर वो सरप्राइज हो गए थे ना। इसके बाद देखिए मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो, क्या करना है आपको, थ्री वर्ड्स गिवन है उससे आपको सेंटेंस बनाने हैं। आंसर सी, सी का फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला वर्ड क्या दिया है हमें, हग, क्या होता है हग भी, बड़ा है ना, बहुत बड़ा, the demand is her, जो demand है वो क्या है, काफी ज्यादा है ना, इसका means ये हुआ। ठीक है, हब इसकी बात है, आर में क्या होता है, घंटा, ओके, क्लॉक में जो एवरी आवर होता है ना, एवरी घंटा जो होता है उसको हम बोलते हैं आर। ओके, तो वर्क्स लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग मीन्स जो टॉम है वो काफी टाइम से वर्क कर रहा है ना। थर्ड वाला देखिए, अनाउंस, अनाउंस मीन्स क्या होता है, घोषणा करना है ना, किसी चीज की घोषणा करते ना होता है अनाउंस, द रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन विल बी अनाउंस्ड, विल बी अनाउंस्ड टुमारो, क्या हुआ, इलेक्शन की, इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कल घोषित होगा। ठीक है, ओके बेटे, ये आपकी पोयम वाले चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना, हमारा वन चैप्टर और लेफ्ट है, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट। ओके, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।